जालौन के कोच में तहसील परिसर स्थित मैदान में झांसी ललितपुर जालौन की विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमा रंजन ने सैकड़ों सपा नेताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री दयाशंकर वर्मा भी मौजूद रहे। आपको बताते चले, बीते 25 मार्च को कोंच कोतवाली के ग्राम चंदुरा में आपसी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने 6 लोगों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, जिसमें 2 लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर एमएलसी रमा निरंजन के प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने डीआईजी झांसी से अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग की थी, लेकिन कुछ अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस घटना को लेकर एमएलसी ने सूबे के मुखिया को भी शिकायती पत्र दिया। एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। उन्होंने कहा, सत्तारूढ़ भाजपा के विधायक बेटियों का गैंगरेप तथा जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। विकास के नाम पर कोई कारण नहीं हुआ, जबकि हमारी समाजवादी सरकार ने प्रदेश की जनता को मेट्रो से लेकर एक्सप्रेस वे तक दिया है। समाजवादी पार्टी की ओर से पीड़ित परिवार को 50,000 का चेक प्रदान किया गया है और 1.5 लाख रुपए का चेक लखनऊ से आने पर दिया जाएगा, जबकि वर्तमान सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है। 4 तारीख को हमने एक माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था कि भाई यहाँ जनपद जालौन में हमारी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। उसका ही जीता जादा उदाहरण था कि चंदुर्रा में पेट्रोल कांड हुआ, जिसमें 2 लोग मारे गए और 2 लोग मरणासन्न स्थिति में हैं, काफ़ी गंभीर हालत में हैं। इसके विरोध में जब लोग गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, तो मैंने गिरफ्तारी करने के लिए कहा था, 14 तक गिरफ्तार नहीं हुए तो हम 15 को धरने बैठ जाएंगे। ये आपको मालूम है कि चंदुर्रा में 2-2 कांड हो गए, बहुत गलत हुआ। ऐसे लोगों का कांड हुआ है जो बिजनेसमैन और दुकान चला रहे थे और लोगों ने अन्याय, लोगों ने जो है पेट्रोल डाल के उन्हें जला दिया। इसलिए हम लोगों ने जो है, जब गिरफ्तारी नहीं हुई थी तो हम लोगों ने ऐलान किया था गिरफ्तारी जल्दी जल्दी हो। मैं पहले गया था, अब 6 लोग जो है गिरफ्तार हो गया, 1 आदमी रह गया, वो भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। और ये भी मांग कर रहे ज्यादा से ज्यादा इन लोगों के अन्याय लोगों के साथ कड़ी कार्रवाई। ब्रेव न्यूज लाइव के लिए जालौन से अनुज पाटकार की रिपोर्ट।